हाँ प्रीति, आई होप तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ, तुम्हें म्युनिसिपल रजिस्ट्रार को फोन करना है और लाली चाचू से कह देना कि हो सके कमिश्नर से पर्सनली मिलने जाए। हाँ देखो प्रीति, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता देना, मेरे मोबाइल पे या अभय सर के मोबाइल पे फोन कर लेना। ओके, तुम कहो तो मैं ऑफिस आ जाऊं। हाँ ओके ठीक है, बाय। आई ये क्या कुसुम, तुम आज ऑफिस क्यों जा रही हो? तुम्हें तो आज जाना है ना? आई ऑफिस नहीं जाना पड़े, इसलिए तो मैंने फोन किया था। क्या बात है आई, इतनी उदास क्यों है? दो ही दिनों की तो बात है। तुम इससे पहले कहीं गई नहीं ना, इसलिए। दीदी दीदी, मैंने आपकी सारी मेडिसिन पैक कर दी, आपको कब क्या खाना है कब क्या पीना है इस लिस्ट में सब लिखा है। मैं आपको याद दिला देती हूँ आपको क्या क्या खाना है। सवेरे उठ के एक गिलास बड़ा वाला दूध का, उसके दो घंटे बाद शहद का पानी, खाने में चार चपाती, उसके बाद आप टॉनिक लेंगे और उसके बाद बस। मेरी बात सब समझ में आ गया, सब याद रहेगा। लीजिए। कुछ और बात है, क्या हुआ? तुम भी आज जा रही हो, उज्जवल भी यहाँ नहीं है, घर कितना सोना सोना लगेगा। तो सोनाली, हमारी आई उज्जवल को बहुत ही मिस कर रही है। आप कहे तो उज्जवल को बुला दूं? नहीं नहीं, रहने दो। आई तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कल मैं खुद भाभी के पास जाऊंगी और उज्जवल को कुछ घंटों के लिए यहाँ ले आऊंगी। और कुसुम दीदी, आप आई की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आपकी एब्सेंस में आई को खुश रखने की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। जी ठीक है, ओके। चार्जर रखना भूल गए थे तुम, यहाँ रख रही हो याद से। निशा, मैं चंडीगढ़ नहीं जा रहा, पास वाले किसी काम में जा रहा हूँ, पता नहीं वहाँ मोबाइल नेटवर्क पकड़ेगा भी कि नहीं। ईशा, कल माँ का फोन आया था। सॉरी, मैं बताना भूल गई थी। अगली बार अगर माँ का फोन आए याद चलो, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने चल रहा हूँ। नहीं चलो ईशा, मुझे पहले ऑफिस जाना, कुछ काम है, मैं जैसे सीधे एयरपोर्ट जाऊँगा। कि जब जी चाहा देख लिया, जब जी चाहा तुमसे बात कर ली। आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ओके? क्या काम था? कुसुम तुम्हारे साथ चंडीगढ़ जा रही है ना? तो उसका ख्याल रखना। माँ, ये भी कोई कहने की बात है? कुसुम हमारे काम से चंडीगढ़ जा रही है तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। और तुम्हें कुछ पता भी है प्रेगनेंसी में क्या खाना खिलाया जाता है क्या नहीं? देख, मैंने हाना जी से बात कर ली है, भाभी जी से भी बात हो गई है, तुम लोग उनके साथ उनके घर पे रहोगे। और हाँ, खास ध्यान रहे, हो सके तब तक घर का खाना खाना, बाहर का खाना अवॉइड करना। और कुसुम को बारी बारी उसकी दवाई का याद दिलाना और उसकी बस बस समझ गया। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आई टेक केयर ऑफ, ठीक है? और कुछ? हरना जी और भाभी को ईशा के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो प्लीज कोई भी ऐसी हरकत या ऐसी बात मत करना कि उन्हें ईशा के बारे में मालूम पड़ जाए। चिंता मत करना, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे हमारे खानदान की इज्जत पर खतरा जाए, ठीक है? अबे, मिलने आएगा ना? जी।
क्या काम समझ लेना प्रीति। आप परेशान ना हो सर, कुसुम मैम ने मुझे पहले ही सब समझा दिया था। कितने कमाल की बात है ना, आप दोनों एक जैसा सोचते हैं। और अगर कुछ काम हो तो हनान अंकल के यहाँ फोन कर देना, पापा के पास नंबर है। और सुनो, वो ड्राइवर को कुसुम के यहाँ भेज दो, मैं वहाँ पहुँचा। प्रेगनेंसी पे कोई किताबें आपको मिल जाएंगी? हेलो। हाँ मैं अभय बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ। पर अभय, शशांक भैया ने कहा है कि वो मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ देंगे। अरे उनको तकलीफ क्यों दे रही हो, मैंने ड्राइवर से कह दिया है कि तुम्हारे घर पे मिले। ठीक है, मैं अभी पहुँचा। ठीक है। सर, आपके घर में दो फाइल्स छोड़कर आए हैं, अगर आप साथ लेकर आई हैं तो। मैं तुम्हारे सर की फाइल्स नहीं लेकर आई हूँ, अपने काम से आई। और जब तुम्हारे सर सुबह ऑफिस आए थे तो किसी को भेजकर फाइल्स मंगवा लेने चाहिए थे ना। लेकिन सर तो सुबह ऑफिस आए ही नहीं, वो तो कुसुम मैम के घर। निकिता आ गई? यस मैम। हाय। हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कहाँ रहती हो आजकल, दिखाई नहीं देती। अरे तुम कहाँ दिखाई देती हो, कहाँ हो? ऐसे ही कुछ काम में उलझी हुई थी। और वैसे भी इस ऑफिस में कुसुम के अलावा तो कोई काम करता नहीं है ना, और अगर कोई काम करे भी तो यही लगता है कि सारे काम कुसुम करती है। अब वो नहीं है तो लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है। कुसुम नहीं, कहाँ गई है? तुम्हें नहीं पता? नहीं। अभय ने तुम्हें बताया नहीं कि वो चंडीगढ़ जा रहा है? हाँ बताया था। इसका मतलब कि अभय ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई कि कुसुम भी उसके साथ जा रही है। I mean to say, गई है। तभी अभय मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। इसका मतलब मेरी सिक्स सेंस सही थी। अगर मैं कुसुम की जगह होती तो कभी नहीं जाती। प्रीति कह रही थी कि अभय सुबह से ऑफिस आए नहीं, और मुझे तो कह के गए थे कि ऑफिस जा रहे हैं। अभय घर आया था सरला भाभी से मिलने के लिए। मैंने खुद उसकी कार को आते देखा बालकनी से। और फिर कुसुम के घर गए होंगे उसे लेने। इतना बड़ा झूठ। ईशा, कौन सी किताब है? कब से देखी जा रही? अब बस यही किताब पढ़ रहे हैं। फ्लाइट से पढ़ रहे हो ना? क्या है ये? बुढ़ा सिंह जी, इसी ढाबे पे रुके, दो घंटे हुए निकले हुए जूस में। और क्यों? जैसे मैं इस किताब में लिखा कि चुवारत माँ बनने वाली है ना, उसे हर दो घंटे में कुछ खाना पीना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो ईशा, ऐसा तो नहीं है कि उसने पहले कभी झूठ नहीं बोला होगा। झूठ तो पहले भी बोलता था, फर्क सिर्फ इतना है कि वो पहले कुसुम से झूठ बोलकर तुम्हें मिलता था, अब तुम्हें झूठ बोलकर। प्लीज स्टॉप इट। लुक ईशा, आई अंडरस्टैंड, तुम्हारा दर्द समझता हूं, मगर अब इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अभय को समझो। तुम जानती हो इंसान जिंदगी में झूठ कब बोलता है? दो बार। एक तब जब वो जानता है कि सच बोलने से सामने वाले को दुख पहुंचेगा, और दूसरा तब जब वो खुद सच्चाई का सामना नहीं कर सकता। तो तुम्हें क्या लगता है कि अभय झूठ क्यों बोल रहा है? अभय झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच्चाई छिपा रहा है। देखिए प्लीज, यू आर कंफ्यूजिंग मी नाउ। कंफ्यूज्ड अभय है ईशा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वो कुसुम की कंपनी एंजॉय करने लगा है, उसे अच्छा लगने लगा है कुसुम के साथ रहना। मगर वो जानता है कि अगर ये बात वो तुम्हें कहेगा तुम्हें दुख पहुंचेगा, और वो तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता। तो इस कंफ्यूज। जब उन दोनों की शादी हुई थी
तब उसे कुसुम पसंद नहीं थी, मेरे साथ वक्त बिताता था, और अब things have changed, ईशा. जो दुख, जो दर्द अब तुम्हें महसूस हो रहा है, यही दर्द तब कुसुम महसूस कर रही थी. तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? क्यों मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो? दोस्त हूँ इसीलिए तो आईना दिखा रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी गलती का एहसास दिला रहा हूँ तुम्हें. ईशा, अभय को भूल जाओ. ईशा, वो तुम्हारा कभी नहीं था और ना ही होगा. अगर होना होता तो उसने अभी तक कुसुम को डिवोर्स दे दिया होता. मैं अभय को कभी नहीं भूल सकती. लस्सी अच्छी थी ना? हाँ, भागे बहुत ही अच्छी. पर आपने मुझे पूरी ग्लास मिलवा दी, और यहाँ के ग्लासेस भी ना इतने बड़े बड़े होते हैं. अभय प्लीज गाड़ी रोको ना. बुढ़िया जी की गाड़ी रोकिए प्लीज. और कुछ नहीं पिया जाएगा मुझसे. हमें डॉक्टर करना चाहिए. मेरे को लॉन्ग है, अगर तुम मूवीज पालोगे तो आराम होएगा. एक काम करो, मैं गाड़ी चलाता हूँ, तुम बैठो साथ में, और यही बोल दो कि डॉक्टर कहाँ है, चलो कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं. ओके, जस्ट हैंग इन देयर. ओके, किसी ने बैग लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. इस वक्त किसी को डॉक्टर के लिए जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप करो, तुम गेट बंद कर दो. आ जा, ठीक है. ओ प्राजी, वाहे गुरु, कानक क्यों होएगा? कोई नहीं, वेखांगे. अरे वेखांगे, चलो पुलिस स्टेशन. अरे चलो, अरे साथ, अरे ऐसे डर दे नहीं, चल कितने जाना. डॉक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी इज परफेक्टली ऑल राइट. आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एकदम बड़ी चंगी है वो. लगता है आपने इन्हें जो जबरदस्ती लस्सी पिलाती थी ना, वो इन्हें पसंद नहीं है, या फिर छोटे से बच्चे को ज्यादा खट्टी लगी होगी. कुसुम, अगर तुम्हें लस्सी पसंद नहीं है तो तुमने कहा क्यों? एक्चुअली मैं नहीं पीना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे कसम ली थी तो. नहीं जी, एक बात तो तय हो गई है कि आपकी पत्नी आपको बहुत प्यार करती है. देखा आपने, आपकी कसम निभाने के लिए उन्होंने खट्टी लस्सी भी पी ली. ये सब तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि प्रॉब्लम क्या है. थोड़ी सी एसिडिटी हो गई थी, लंबे सफर में और ऐसी हालत में कभी कभी हो जाता है. मैंने इंजेक्शन को दे दिया है. पहली बार बाप बन रहे हो ना, इसीलिए छोटी छोटी बात पर घबरा जाते हो. थैंक यू डॉक्टर. ये डॉक्टर भी बड़ा रोमांटिक निकला है. रोमांटिक? खाक रोमांटिक. देखो ना, इंजेक्शन दे दिया ना मुझे, अब दर्द होने लगा है, और ये सब आपकी वजह से हुआ है. ठीक है, तो तुम डॉक्टर से कह देती मुझे इंजेक्शन नहीं, दवाई दे दीजिए. मुझे इंजेक्शन से डर लगता है. सच कहिए तो मैंने भी सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इंजेक्शन ना लेने से तबीयत और खराब हो गई तो फिर आप ही को डांट खानी पड़ती ना मामी जी से. सच कहिए अगर, ये सब आप मम्मी जी के कहने पर ही कर रहे हैं? कसम, तुम ही कमाल करती हो. अगर मम्मी जी नहीं कहती तो मैं इंजेक्शन नहीं लेती, वो बच्चा मेरा भी है. वो
बूढ़ा सिंह नहीं दिखाई दे रहा। मुझे लगता है उस फाटक वाले ने उसे पकड़ लिया होगा, पहले से वो घबरा रहा था। चलिए चल के छुड़वाते हैं उसे। क्या सोचा आपने? किस बारे में? ताऊ जी के साथ पूना चल रहे हैं ना? मुश्किल है। ऑफिस का सारा काम मुझ पर आन पड़ा है। ऑफिस में ना कुसुम है ना अभय। लेकिन कपिल भाई साहब और नितिन भाई साहब तो हैं ना? निकिता क्यों मेरे पीछे पड़ी हो तुम? तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं तुम्हें तो मना नहीं कर रहा हूँ। वो ताऊ जी चाहते हैं कि तुम। लेकिन मैं नहीं चाहता। मेरी भी फीलिंग्स काउंट करती है या नहीं? निकिता तुम बात क्या है? निकिता ताऊ जी की हर बात मानी जा रही है, उन्हें खुश रखने का प्रयत्न किया जा रहा है, बगैर किसी फायदे के तुम कब से रिश्तेदारी निभाने लगी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जायदाद वायदाद का चक्कर है? तुम भी ना ललित, मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ तुम्हें कि तुम आज तक मुझे समझ ही नहीं पाए। समझता हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। अगर तुम्हारा फायदा ना हो तो तुम सांस भी नहीं लोगी। गॉड, मैं एक मिनट शांताबाई को बुलाती हूँ। शांताबाई, बहुत रात हो चुकी है, शांताबाई सो गई है, तुम खुद उठा लो। उठा लो, तुम भी मौके का फायदा उठा लो। गरज मेरी है ना इस वक्त, इसलिए करना पड़ेगा ये सब भी। क्या हुआ? लगा तुम्हें? शायद तुमने किसी को गाली दी होगी। टेक केयर। वेलकम जी, वेलकम जी। आया नो जिंदा रहे, जिंदे रहे। आ गए पुत्र, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? और इस बूटे ने बकबक कर हमारा सर तो नहीं खाया? नॉट एट ऑल अंकल। अंकल जी ये सब डेकोरेशन सजावट किस लिए? काके परसों तेरी बहन का ब्याह है। लाजो की शादी? तुम्हें कार्ड नहीं मिला? लाजो इतनी बड़ी हो गई? चल पुत्र अपनी अखां नाल देख। आओ आओ बच्चे, आओ नूरानी, आओ जी, आओ आओ जी, आओ। ओ मैं गया जी, देखो साडे घर कौन आया है। लाजो पुत्र, बिमो जी। पर जाई जी है ना? जिंदी रहे पुत्र, बड़ी सोनी कुड़ी है साड़ी। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई तनु? पर जाई जी को उल्टी होने लगी थी। वो तो प्राजी ने इतनी तेज गड्डी चलाई कि सारे फाटक वाटक तोड़ के, सारे सिग्नल उगनल तोड़ के डॉक्टर के पास ले गई परजाई जी को। क्या हो गया था पुत्र? नहीं बस यूं ही वो रास्ते में परजाई जी ने लस्सी पी ली थी, लगता है सूट नहीं कीती। हूं ठीक है। रब का लाख लाख शुक्र है। लाजो इन लोगों को जरा कमरा दिखा, अपने प्राणू कमरे विच ले जा। तुसी फ्रेश हो लो ना, मैं खाना लगवाती हूँ। अंकल कल की टिकट बुक कर दीजिए प्लीज। बहन का ब्याह है परसों और तू कह रहा है जाना है? ओए बहन दी डोली जाएगी, फिर तू गाल कर जाने दी। ओ तुसी भी तो कुछ बोलो ना। हाँ जी बिल्कुल, हाले किथे नहीं जाना। ठीक है, हम लोग परसों चले जाएंगे। चलो ये गल हो गई। आशा जी जी।